जो दुश्मनों के रंग उड़ाए जो उलझनों को सुलझाए जो राजा रैंचो राजा रैंचो राजा रैंचो देखिए तो इनके नए जहां में नए रंग मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग चाहिए वो लड़का है जो मुझे नहीं लौट जिस दिन झूठे बहाने से तुमने मेरे फोटोज निकाले थे तो उसी दिन मैं समझ गई कि तुम यहाँ भी जरूर आओगे और मैं भी समझ गया था कि तुम मेरा इंतजार जरूर करोगे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या पता तुम्हें ऐसी गलत तरह पलट चुके हो। अब देखो तुम्हारा ही रिवॉल्वर मेरे हाथ में आ गया। वेल डन रैंचो। जूली मैं चाहूं तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकता हूं लेकिन तुम एक लड़की हो इसलिए तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं। तुम्हें खूबसूरत लड़की हो जूली मॉडलिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा लेती है गुंडों के साथ। सोनू से मेरी मुलाकात हुई तो मुझसे उसी के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं मुझे मालूम तो बहुत देर हो चुकी थी फिर सोनू के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। इसकी अपनी कोई राह नहीं तो तुम्हें बीच राह में छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी भी वक्त समझ गया मुझे उस गैंग के सारे मेंबर्स का नाम और उनके आईडी का पता बता दो। आई स्वेयरिंग गॉड मैं टोनी और बोले के सिवा और किसी को नहीं जानती। मुझे का पता बताओ। अनफॉर्चुनेटली मैं ये भी नहीं जानती मैं उनसे मिले कभी नहीं गई वो दोनों ही अक्सर यहाँ पे प्लीज मेरा यकीन कीजिए मुझे बात है मुझे जरूर उनसे मिलने की अब मुन्ना को तो हमने पकड़ ही लिया। वेरी गुड। अब एक आई विटनेस होने के नाते अगर आप उसकी आइडेंटिटी कर लेते हैं
तो हमारा आगे का काम आसान हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं, मैंने उसे अच्छी तरह देखा है और उसे पहचानने में मुझसे कोई गलती नहीं होगी। गुड, अच्छा किया आपने टाइम पे उसको पकड़ लिया। अरे राजा साहब आप ये क्या, जिसके साथ आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं वो इंस्पेक्टर नहीं बल्कि गुंडा है। हाँ आप कहीं मुन्ना को पहचान ना लें इसके लिए आपको खत्म कर देना चाहता है। आप इधर बैठे हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Your rancho is out of danger now. Nothing to worry. ताकि वो खतरा हमेशा के लिए टल जाए। ये काम मगर तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा क्योंकि वो बंदर मुझे देख के पहचान लेगा। और हाँ, काम होने के बाद रिपोर्ट कर देना। ओके, ऑल द बेस्ट। सर अब कैसे हैं रेंजर? ये सब कैसे हो? खतरा टल गया पवन, ऑपरेशन कामयाब हो गया। We'll be right back.
डॉक्टर साहब, डॉक्टर सामंत कौन है? उन्होंने मुझे बुलाया है यहाँ। डॉक्टर सामंत? यह नाम का तो आदमी है ही नहीं यहाँ। क्या डॉक्टर सामंत यहाँ है नहीं? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरे रेंचो की जान बच गई। हेलो, हाँ रामनाथ जी, मैं इंस्पेक्टर वेलनकर। हाँ, एक खुशखबरी थी, मुन्ना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ। उसे दो ही दिनों में बंबई लाया जा रहा है। अच्छा अच्छा, आपको पुलिस स्टेशन उसकी शिनाख्त के लिए आना पड़ेगा। हाँ जरूर आऊंगा। और घर में सब ठीक है? हाँ हाँ, सुनो मुन्ना वाली फाइल लेके आओ। हाँ तो फिर मिल रहे हैं हम। ओके ओके, वेलकम। हेलो हेलो, कौन क्या कौन है तुम, कहां से बोल रहे हो? देखो अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बेटे को, कहाँ है वो? कुछ नहीं, वो राजू को गुंडों ने किडनैप कर लिया है। क्या? हाँ अब तुम घबरा मत, मैं हूँ ना। हेलो पलटी पलटी पलटी, देखा भाभी की बातों को न सुनने का क्या? नहीं सोचने तो बोलिए। सती के मरने का बस पर बहुत दुख है, लेकिन खुशी इस बात की है कि मुन्ना को पहचानने वाला आई विटनेस अब अपनी जबान को भी लिख लेगा। लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि इसकी जांच प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट की राजा के बारे में। इसका मतलब ये रामनाथ जी, आपके बच्चे को स्कूल बस में बैठने से पहले ही किडनैप कर लिया है। जी हाँ। उसके बाद में उनकी तरफ से कोई और फोन नहीं? उसके बाद कोई फोन नहीं आया। हेलो हेलो मिस्टर आई विटनेस, फोन कर रहे तुम? हेलो राजू, बेटे बेटे डरना नहीं, मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने। हाँ मैं आ रहा हूं बेटे तुम्हें लेने। मिस्टर राम, शुक्र करो कि तुमने राजू की आवाज सुनी। अगर आज पुलिस स्टेशन में तुमने मुन्ना को पहचाना तो राजू की आवाज को दोबारा नहीं सुनोगे, समझे? तुम कहां से बोल रहे हो? हेलो हेलो, कहां है राजू, कहां है राजू? क्या बोला था? मैं धमकी दी है, अगर मैंने मुन्ना को आइडेंटिफाई किया तो। मिस्टर रामनाथ,
आपके दिल पे जो गुजर रही है वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप हौसला रखिए। मेरा दिल कहता है कि आपके बच्चे को कुछ नहीं। हाँ तो मिश्रा जी, इस चुनाव में केदारनाथ जी आपके मुख्य प्रतिस्पर्धी हैं। जी हाँ, वो हमारे मुख्य प्रतिस्पर्धी थे। थे? हाँ, हमारे कहे का मतलब अब इलेक्शन का फॉर्म भरे में थोड़ा ही दिन तो बाकी है ना। हाँ, और इस बीच में अगर आके उन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो इस इलाके से आप बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है मिश्रा जी, केदारनाथ जी को किसने किडनैप करवाया होगा? साहब जाहिर है, केदारनाथ जी बैंक रॉबरी के आई विटनेस थे और वो गुंडों के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे। इसके अलावा और भी तो कोई वजह हो सकती है। क्या ऐसा कोई और उम्मीदवार है जिसे केदारनाथ जी से हारने का डर हो? केदारनाथ जी को क्यों, इस इलाके का सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार तो हम हूं, हमको किडनैप करना चाहिए था ना। ये बात भी सही है। अच्छा मिश्रा जी, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, आपने काफी समय दिया। अब आज्ञा दीजिए। कि हम तो सेवक और सेवक का कर्तव्य होता है कि स्वामी यानी राजा का सेवा करना। और कोनो सेवा हो तो कहिएगा। जरूर। मिश्रा जी, आपका ये राजा हम जैसे प्रजाजनों के लिए खतरनाक साबित। अरे कौन खतरा के बात नहीं है लाला, अब इलेक्शन का थोड़ा ही दिन तो बाकी रह गया है और केदारनाथ इलेक्शन का फॉर्म नहीं भर पाए ना तो हमारी जीत समझो, हमारी जीत। जाओ, अरे हलो भैया का मिठाई खाई का ऑर्डर दे दो, जाओ और खुशियां मनाओ। कमला कब ले जाओ। सर, ये कमला नहीं उसकी बहन है विमला। कमला एक हफ्ते के लिए गांव गई है, तब तक अपना काम यही करेगी। अच्छा अच्छा, सुनो पवन। हाँ जी। सारी बातें ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमें दो आदमियों पर नजर रखनी चाहिए। कौन कौन सर? एक तो रामनाथ का भाई मणि, जिसके हाव भाव देखकर कभी कभी शक होता है। दूसरे मिश्रा जी, जो इस इलेक्शन में केदारनाथ जी के प्रतिद्वंदी है। तो मणि पर नजर जमाए रखो जी, मैं मिश्रा पर। ओके सर, ठीक है। चलो चलिए। तालाब में अक्सर मगरमच्छ चलते हैं। मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया। आई वो चश्मा पहने, होठों पे लिपस्टिक, नाखूनों पे नेल पॉलिश और एक नौकरानी। कौन हो तुम? मेरे सवालों का सही सही जवाब देना, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हारे पीछे कौन लोग हैं और तुम क्या कहते हैं? देखो देखो, मैं सब बताती हूँ। मैं किसके लिए काम करती हूँ? उन्होंने कमला के यहाँ फोन किया था, वो भी टूटा। और जब कमला गांव चली गई तब तुमने उसकी बहन बनकर मेरे असिस्टेंट को फोन किया और यहाँ तुम काम कर रही हो। वेरी गुड। अब चुपचाप उस जगह चलो जहाँ तुमने अभी अभी फोन किया। चलो कमान। Yeah.
दो येलो गैरेज। बहन जी क्या आप बता सकती हैं कि बार बार बेल बजाने पर भी आपके पड़ोसी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? लेकिन ये तो मिस्टर मिर्चंदानी का घर है। मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ बहन जी। हाँ ये सब लोग तो अमेरिका गए हैं, तुमको क्या काम है? उनका एयर कंडीशनर चेक करना था। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, अगली बार सही। अरे नहीं निकला, मेरी बात तो समझ, जब तुम आज गए तो मेरा काम करो। क्या बहन जी? मेरा एयर कंडीशन खराब है, चल ठीक कर लो ना। लेकिन हमारी कंपनी की भी एक कंडीशन है बहन जी, हमारे जो कस्टमर हैं हम उन्हीं का कंडीशनर, आई मीन एयर कंडीशनर ठीक करते हैं। लगता है इस औरत की भी कंडीशन बहुत खराब है। तो तुम्हारे मुताबिक वो फ्लैट खाली है और मिस्टर मीर चंदानी अमेरिका गए हुए हैं? नौकरानी ने मरते वक्त जो नंबर बताया था वो तो। सर आपको लगता है गुंडे इसी खाली फ्लैट का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ पवन, गुंडे अक्सर बिल्डिंग से चौकीदारों के टच पर रहते हैं ताकि उन्हें ये मालूम पड़ता रहे कि कौन सी बिल्डिंग में कौन सा फ्लैट खाली है और उसका इस्तेमाल वो अपने काम के लिए करते रहे। इसकी वजह यही कि अगर पुलिस वहाँ पहुँच भी गई तो उनका अपना अड्डा तो सुरक्षित रहता है। अच्छा एक काम करते हैं पवन जी, उस बिल्डिंग के चौकीदार से बात करके देखते हैं, अंधेरे में एक तीर चला कर देखते हैं। चौकीदार साईं झूले लाल, तुमको भी झूले लाल साहब। हम फोकट में झूले लाल किसी को नहीं बोलते, हमारी एक बात सुनो। बोलो। हमारा नाम लालवाणी है। मेरा नाम जंग बहादुर है। होगा, हम मीर चंदानी साहब का साला होता है नी। मगर मीर चंदानी साहब तो एक महीने के लिए अमेरिका गए। बड़ी मीर चंदानी खर्चा कब से करने लगा? बड़ी ये कैसे हो सकता है, हम जब भी फोन करता है कोई टोनी नाम का आदमी फोन उठाता है। मीर चंदानी घर पर नहीं है तो घर में फोन कौन उठाता है? खाली पीले का बात नहीं करने साहब, जब फ्लैट बंद पड़ा हुआ तो कोई रॉन्ग नंबर लग गया होगा। कोई गड़बड़ नहीं, आपसे कोई मिस्टेक हो गया। बड़ी छड़िया हो गया तो हम मिस्टेक करेगा, हम अमरीका फोन करेगा और पता लगाएगा, खर्चा होगा लेकिन पता लगाएगा। सही है, अमेरिका फोन करो, लंदन फोन करो, लेकिन तुम यहाँ जाओ, हमारा भेजा खराब नहीं करने का। फोन देता हूँ। पानी देने लगता है टोनी को खबर करनी पड़ी, पहले गड़बड़ होती। सर हाँ पवन, कोई बात जरूर है। टोनी का नाम लेते ही वो चौकीदार आंखें फाड़ कर देखने लगा। मतलब हमारा निशाना सही लगा। दफ्तर जाना होगा, मुझे यकीन है रैंचो जरूर अपना कमाल दिखाएगा। वेरी गुड रैंचो। कहने को वो एक बंदर है पर बड़ा वो धुरंधर है, चालों को तोड़ दे, ढालों को तोड़ दे, ऐसा ये सिकंदर है। क्या पकड़े हो तुम चौकीदार? जब मैं मिर्चंदानी के फ्लैट में था तो मैंने कोई ऐसा फोन नहीं उठाया। लेकिन मिर्चंदानी के साले ने तो कहा कि आपने फोन उठाया था। ये सब बकवास है, जरूर कोई ये जानना चाहता है कि उस खाली फ्लैट का इस्तेमाल हम। ठीक है, आज से तुम जरा होशियार रहना और मुझसे मिलने भी मत आना। लगता है किसी को शक हुआ है कि हम उस खाली फ्लैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम जाओ यहाँ से।
दिशा। आगे को फोन करो और ये नंबर किसका है वो मालूम करो, ठीक है? ओके सर, या अरे शैतान तू यहां भी आ गया क्यों? नहीं रेंचो अकेला नहीं, राजा उसके साथ। तुम अब तुम कोई सवाल नहीं करोगे, सवाल मैं करूंगा, तुम सिर्फ उनसे जवाब दोगे। तुम लाख कोशिश कर लो राजा, लेकिन मेरी जबान नहीं खुला सकते। अब रैंचो, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हाँ तो टोनी, अब भी अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो पवन तुम्हें जला देगा। मैं बताता हूँ, हम तो वो बॉस के लिए काम करते हैं। कौन बॉस? मैं उसका नाम नहीं जानता, सुना है उसके बारे में कोई जानकारी है, हमें जैसा इंस्ट्रक्शन मिलता है हम वैसा ही काम करते हैं। ओके, तो ये बताओ कि रामनाथ के लड़के और केदारनाथ को किडनैप करके कहाँ रखा है? काली टेकड़ी के पास जो बंगला है वहाँ रखा है।
हमारी एक गलती थी केदारनाथ और बच्चे के लिए बहुत खतरनाक एक काम बेटा तुम उन्होंने मुझे बहुत मारा ओह माय गॉड लुक एट दिस सर बाकी गुंडे पकड़े गए राजू भी मिल गया बैंक का कैश भी यहीं है मगर केदारनाथ जी और इस गैंग के लीडर का कहीं कुछ पता नहीं है केदारनाथ यहाँ है मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दे दो केदारनाथ जी की जान खतरे में सोच लिया
ऐसा करो, तुम केदारनाथ को गोली मार ही दो। राजा साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो मेरी जान खतरे में डाल रहे हैं, ये मुझे गोली मार देगा। मगर सर, ये इंस्पेक्टर, ये टेंगू केदारनाथ को गोली कभी नहीं मार सकता, क्योंकि इस गैंग का असली बॉस केदारनाथ ही है। झूठ है ये, सरासर बकवास। केदारनाथ, अब इस नाटक की कोई जरूरत नहीं, हमारा खेल खत्म हो चुका। कैसा नाटक, कैसा खेल? वही खेल जो तुमने बैंक रॉबरी प्लान करके शुरू किया। अपने ड्राइवर राम सिंह को उस दिन तुमने खुद छुट्टी दी, मगर वो मैं उसका बयान दूंगा। बात तो मैं आपके कार मैकेनिक से भी कर चुका हूं, उसने ये बताया कि बैंक रॉबरी के एक दिन पहले ही उसने आपकी कार का कार्बोरेटर बदला, जबकि आपने पुलिस को यह बयान दिया है कि कार्बोरेटर में कचरा है। केदारनाथ जी, 24 घंटे के अंदर कार के कार्बोरेटर में इतना कचरा नहीं आ सकता, गाड़ी रुक जाए। तुम्हारी इस बकवास से कुछ साबित नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं विटनेस बनकर उन गुंडों को क्यों पहचानना चाहता? वो तो आपकी एक मजबूरी है और आपके प्लान के फेल होने की सबसे बड़ी वजह। उस दिन आप मौका वारदात पे इसलिए खड़े थे ताकि आप ये देख सकें कि आपके आदमी बैंक रॉबरी को सही अंजाम दे पाते हैं। इसके बाद से रामनाथ जी भी वहीं पे आ गए। मुन्ना का चेहरा आपने और रामनाथ जी ने साफ कर दिया, ये किसी भी शक से बचने के लिए आपको वो गवाही देनी थी। अब तुम ये भी कहोगे कि अपना किडनैप मैंने खुद करवाया? एग्जैक्टली। रामनाथ जी, आपके कपड़े एकदम साफ सुथरे हैं, कलाइयों में कहीं कोई रस्सी के निशान नहीं, और अपना चेहरा देखिए, आज सुबह ही एकदम सस्ता शेव किया गया है। माफ कीजिएगा केदारनाथ जी, आपके मुंह से अभी तक उस विदेशी सिगार की बू भी आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वो दवाई जिसके बगैर आप दो दिन में जिंदा नहीं रह सकते, भी शायद आपको इन्हीं लोगों ने दिया है। केदारनाथ, वक्त 11 बजे है, वक्त बता दिया। घड़ी तो काफी छूटी है। नहीं, पता नहीं, वो तो लगता है ये घड़ी और ये चश्मा भी इन लोगों ने पहन दिया। तुम शायद भूल गए केदारनाथ, जब तुमने अपना किडनैप प्लान किया था तो तुम्हारी घड़ी और चश्मा गिर गया, और अब ये ब्रांड न्यू घड़ी, नया चश्मा, इन सबको ये साबित होता है कि तुम बड़े मजे में यहीं बैठे हो अपना खेल खेलते। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हम। बिल्कुल सही फरमाया राजा साहब, आप जो है ना क्या केदारनाथ, आप केदारनाथ को बेशक आप ले जाइए, लेकिन मेरे को छोड़ दीजिए, वरना मैं गरीब मारा जाऊंगा और मैं उनके खिलाफ बिल्कुल कोर्ट में गवाही दूंगा। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साहब, अरे अरे राजा साहब देखो, इंस्पेक्टर साहब मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे बचा लो राजा साहब, मुझे बचा लो, वरना मेरे बाल बच्चे यतीम हो जाएंगे। तुम्हारे बाल बच्चे भी हैं? हाँ जी, मेरे बाल बच्चे हैं, ये मेरे बाल हैं और बच्चे घर पे हैं। गई गई राजा साहब। हेलो राजा साहब, आपका और आपके रंचो का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमारा बेटा हमें मिल गया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रामनाथ जी, जो आपने बिना गुंडों से डरे हुए आई विटनेस बनकर हमें पकड़वाने में हमारी मदद करी। मैं चाहूंगा कि आप ही की तरह और लोग भी सामने आएं और गुंडे बदमाशों को पकड़वाने में हमारी मदद करें।